ये गाइस हम लोगों का 25 रुपया प्लेट जो है वेज थाली, तो ये काफ़ी अच्छा प्राइस है। सो यहाँ पर गाइस काफ़ी जैम लग चुकी है, स्टेशन के पास आई थिंक कोई ट्रेन छूटा होगा, तो लगभग इस तरह का जैम जो है लग ही जाता है। बाय द वे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फूड ब्लॉग। दिस इज ओवरसीज मलिक एंड यू आर वाचिंग आसनसोल ब्रदरहुड यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बताऊँगा चीपेस्ट बंगाली थाली के बारे में। जी हाँ गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो काफ़ी सारे बिजनेसमैन बाहर से आते हैं, लाइक आसनसोल के आसपास से आते हैं, यहाँ पर होलसेल में मार्केटिंग करते हैं, या फिर इस टाइम पे जो है पूजा का बाज़ार है, हर कोई पूजा का मार्केटिंग करता है मार्केट पे आके, तो उन्हें जो है एक सस्ते प्राइस में एक अच्छा मील चाहिए होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कहाँ पर आप 25 रुपीज़ पर प्लेट जो है मील ले सकते हो। तो इससे सस्ता या फिर इससे रेट के आसपास में आपको जो है आसनसोल स्टेशन के पास मिल जाएगा, बट मैं गाइज आप लोगों को वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो लोग का पानी जो है बहुत ही गलत जगह से यूज़ करते हैं, एंड हाइजीन का तो बिल्कुल ही मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब क्वालिटी तो बिल्कुल ही सही नहीं है, और वो खाना अगर आप खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये वीडियो में गाइज मैं आपको एक जगह के बारे में बताऊँगा जहाँ पर आप 25 रुपये में बंगाली थाली ले सकते हो, एक प्रॉपर मील ले सकते हो। सो दिस इज़ द चीपेस्ट बंगाली थाली इन आसनसोल। मैंने काफ़ी जगह घूमा हुआ है, काफ़ी जगह ट्राई किया हुआ है, उसके बाद मैंने यहाँ पर पहले भी खा रखा है, तो मुझे क्वालिटी जो है गाइस एकदम ठीक लगा, एंड प्राइस के हिसाब से बहुत सही लगा, एंड बाकी सारे प्राइसेस भी काफ़ी कम है। तो चलिए मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। वो शॉप का जो गाइस एड्रेस है उस होटल का, वो आई थिंक हाटन रोड के मिड पॉइंट पर है, जो मस्जिद के पास वहाँ पर है। आई थिंक आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था रंजन केबिन का, सो वहाँ पे उसके ऑपोजिट में वो जगह है गाइज़। वहाँ पर आपको बिल्कुल सस्ते प्राइस में अच्छा क्वालिटी का खाना मिल जाएगा 25 रुपीज़ में। साथ में आप नॉनवेज वगैरह भी ले सकते हो, उसका प्राइस भी गाइज़ काफ़ी कम है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, बाकी सारा चीज़ें जो एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ क्या क्या खाना है। बाय द वे गाइज़, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आई डी है subhasis_ACOB, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ गाइस फिर से सिग्नल जो है रेड हो चुकी है, जस्ट ग्रीन था, अगर थोड़ा सा भाई साहब स्पीड में निकलते तो मैं निकल जाता। फ़िलहाल जो है सिग्नल रेड हो चुकी है, एंड धूप है गाइस काफ़ी ज़्यादा, और मुझे बहुत ही गर्म मी लग रही है। तो फाइनली सिग्नल तो ग्रीन हो चुकी, बट ट्रैफिक गाइस बहुत ही जाम है हाटन रोड पे। बस हमें थोड़ी दूर ही जाना है, बट लगता है अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक देख रहे हो गाइस। तो ये है गाइस वो जगह जहाँ पर आपको जो है सबसे सस्ता में बढ़िया क्वालिटी का खाना मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं उस होटल पे जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पर आपको 25 रुपये प्लेट बंगाली थाली देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले गाइस देख लेते हैं कि मेनू में क्या क्या है और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, और देखते हैं गाइस थाली कैसा है और क्या क्या हमें मिलता है, क्वालिटी खाने का क्वालिटी क्या है, क्योंकि प्राइस तो मैंने आपको बताया ही सबसे कम है, एंड क्योंकि मैं पहले भी खा चुका हूँ एक आध बार, तो मुझे क्वालिटी के बारे में पता है। तो आज गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 25 रुपये प्लेट एग है, एग करी फिश है, तो मतलब फिश करी मिलेगा, और ये चिकन, इसको थोड़ा दिखाओ, चिकन के पीसेस है, चिकन करी, और ये आलू फ्राई, ये फिश फ्राई, तो ये गाइस देख लो, ये जो है फिश फ्राई है, और इधर एक सब्जी है, और ये चावल। तो फटाफट हम लोग एक मिनट लगा दो। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने अपना जो है वेज थाली ऑर्डर कर लिया है, तो अभी आता है गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दिस इज़ द चीपेस्ट वेज थाली, वेज बंगाली थाली इन आसनसोल। अगर आपको इससे पहले इससे सस्ता तो कहीं आसनसोल में नहीं मिलेगा, बट इसके प्राइस के आसपास लाइक 25-30 रुपीज़ में मिल सकता है। मैंने स्टेशन के पास चेक किया था, बट वो लोग गाइस उतना हाइजीन मेंटेन नहीं करते। वो जो पानी यूज़ करते हैं वो एकदम ही मतलब बेकार पानी रहता है, वो हेल्थ के लिए एकदम ही अच्छा नहीं रहेगा। बट यहाँ पर गाइस थोड़ा अच्छा क्वालिटी का चावल के साथ थोड़ा बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं एंड आपको क्वालिटी खाना मिलता है जो आप रेगुलर बेसिस पे खा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब खाने लायक है, काफ़ी अच्छा है, खाने का क्वालिटी जो है 25 एज़ पर द प्राइस काफ़ी अच्छा है क्वालिटी। तो फिलहाल जो मैंने ऑर्डर कर दिया, अभी आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये गाइस हम लोगों का थाली जो है आ चुका है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये गाइस हम लोगों का 25 रुपया प्लेट जो है वेज थाली, इसके साथ हमें मिलता है दाल और आलू फ्राई के साथ कुछ सब्जी फ्राई है, मिक्स फ्राई, एक प्याज एंड ये गाइस अगर आप एक करी लेते हो तो आपको लगेगा 10 रुपये एंड अगर आप फिश करी लेते हो तो 20 रुपीज़ और ये सब्जी गाइस कॉम्प्लीमेंट्री है इसके साथ। एंड अगर आप चिकन लेते हो गाइस तो चिकन में आपको लगेगा 25 रुपीज़। तो ये काफ़ी अच्छा प्राइस है, आपको सब कुछ देखने को मिलता है, पीसेस भी सही है। यहाँ पर आप फिश का भी पीस देख सकते हो गाइस, काफ़ी सही है। एंड ये रहा एक, तो ये टोटल गाइस जो अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिला। एंड 25 रुपये आपको वेज थाली, इसके साथ अगर आप एक लेना चाहो तो ले सकते हो, फिश लेना चाहो तो ले सकते हो एंड चिकन लेना चाहते हो तो गाइस वो भी। तो ये गाइस चिकन का पीस देख रहे हो गाइस, काफ़ी सही पीस है एंड काफ़ी जूसी सा है एंड इसके साथ काफ़ी सारा जो है हमें करी भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने जो अपना आज का लंच ख़त्म कर लिया एंड पूरा खाना गाइस मैंने अकेले नहीं खाया, मेरे साथ संजीव भी था। तो ये रहा गाइस संजीव। तो संजीव बताओ खाना आज का कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था। और इस प्राइस में क्या आसनसोल में कहीं खाना मिल सकता है वेज थाली? इस प्राइस में तो खाना अच्छा मतलब नहीं मिल सकता। ये गाइस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो है बिज़नेस पर्पस में आसनसोल आते हैं एंड उनका बजट उतना नहीं होता, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक कम बजट में एक हेल्दी फूड लेना, एक प्रॉपर मील लेना। तो वो गाइस इधर आ सकते हो। ये रंजन केबिन के अपोजिट में हाटन रोड से थोड़ा अंदर आना पड़ता है एंड आप जैसा कि देख सकते हो 25 रुपये में इससे हेल्दी एंड अच्छा क्वालिटी का खाना मिलना मुश्किल है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पे गाइस पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।